बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, क्या हाल हैं? सब ठीक है अल्लाह पाक से, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे जी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आजकल काफी दोस्त डिस्टर्ब हुए थे कि मार्केट हमारी अच्छी नहीं हो रही, तो मार्केट कल से इंशाल्लाह आपकी बेहतर होने जा रही है। मंदी के दिन आपने काट लिए, अब अच्छे दिन इंशाल्लाह स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसका सबसे पहले तो मौजू है जी कि पाकिस्तान को चाइना, रशिया, ईरान ने जो है बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया है। वो पाकिस्तान में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और पाकिस्तान की सपोर्ट करने जा रहे हैं। और पेट्रोल आपका 170 रुपये, घी आपका 360 रुपये, डॉलर 150 रुपये तक आ जाएगा और आपकी स्टॉक मार्केट को इंशाल्लाह ताला ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं और इंडेक्स ऊपर आ सकता है। तो इसके अलावा दोस्तों, तीन ऐसे स्टॉक रखे हैं जो हमने कल इसकी बाय कॉल्स दी थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों अपर कैप थे। कल भी इनमें बहुत ज्यादा तेजी आने जा रही है और कल भी हो सकता है ये तीनों अपर कैप हों, तो इनको आप ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे ऑफिशियल बायसेल ग्रुप में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। नंबर नोट कर लें, 0323471452। जी तो दोस्तों, बात यह है कि देखें, पाकिस्तान को IMF ने इतना रोला 8 महीने के जी, जैसे वो पंजाबी की एक कहावत बनी हुई है ना कि बंदर पहाड़ पे चढ़ जाता है तो उसकी किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है। अब वो मैं नाम नहीं लेना चाहता वीडियो में, तो वो कहते हैं जी पहाड़ के ऊपर आओ, वो फिर ऊपर जाते हैं, वो और ऊपर चढ़ जाता है, कहता है और ऊपर आओ, वो और ऊपर जाते हैं, कहता है जी और ऊपर आओ, और हत्ता कि वो इतनी ऊपर चला जाता है कि कोई पहुंच नहीं सकता। तो यही IMF ने हिसाब किया है कि IMF ने एक बंदर वाला काम किया है कि ऊपर से ऊपर चढ़ता जा रहा है जी, इधर आओ, पाकिस्तान के बस में इतना नहीं है, पाकिस्तान की आवाम का पहले ही खून पसीना निचड़ा हुआ है, अब वो कितना और सेक्रीफाइस करे या कितना और बर्दाश्त करे कि एक हद होती है। आप देखें कि इन्फ्लेशन 40 को बूर कर रहा है, इंटरेस्ट रेट हमारा 21% जा रहा है, शरह सूद जो है, उसके बाद देखें कि अवाम की जो कुव्वत खरीद है बिल्कुल खत्म होके रह गई है। और आप ये देखें कि कोई भी चीज खरीदना अवाम के बस से बाहर हो गया, लोग बिल्कुल निचले लेवल पे आके जिंदगी गुजारना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, ये हमारी गवर्नमेंट का इकदाम है, अब इलेक्शन का भी साल है, अभी ये अवाम आपको रिलीफ भी देने जा रही है, इंडस्ट्रीज को भी रिलीफ देने जा रही है, स्टॉक मार्केट को भी उठाने जा रही है, और चाइना, रशिया, ईरान और सऊदीया और इसके साथ ही UAE, कतर, सबसे मामला तय हो रहे हैं और सब कुछ बेहतर हो रहा है। आप बस छोड़ दें, सब चीजें बेहतर हो जाएंगी, इन्फ्लेशन भी नीचे आएगा, इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएंगी और हमारा अमेरिका और IMF से भी जान छूट जाएगी। अगर आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अभी तक लॉस में हैं, या अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं एक अमेजिंग गुड न्यूज। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसमें आपको मिलेंगी डेली बाय सेल कॉल्स विद बाय सेल टारगेट। इसकी मंथली फीस है 1000 रुपीज। उसके बाद हम अपना सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसका नाम है प्रीमियम ग्रुप। इसमें आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप वाली सर्विसेज मिलेंगी, उसके साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज करवाया जाएगा। थर्ड नंबर पर हम आपको अपना लर्निंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसमें आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z मुकम्मल नॉलेज फराहम की जाएगी और आपको बनाया जाएगा एक बिग प्लेयर। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो अभी फोन उठाएं और स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करें। तो दोस्तों, आज के जो तीन स्टॉक हैं आपके लिए लेके हैं, उसमें सबसे पहले जी गुल अहमद टेक्सटाइल, ये अपना पेड अप कैपिटल बढ़ा रहा है, बहुत बड़ी न्यूज है, और ये 20 बिलियन से 50 बिलियन पे लेके जा रहा है, बहुत बड़ी न्यूज आ गई, और भी काफी जा सकता है, आपको मिले इसको ले लें। PNSC कतर के साथ मामला काफी करीब तर है, ये भी उनको सेल आउट होने जा रही है और इसके बड़ी क्वांटिटी वो उठा रहा है इसके शेयर्स की, और ये इनसाइड न्यूज है, अभी इसकी ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद है जी मेटा हेल्थ टेक्नोलॉजी, अपर कैप लगाया इसने भी 128 रुपए से, ये नीचे आया हुआ था 5.5 पे, तो बाय कॉल मैंने दी है, माशाल्लाह कैप लगाया, आज भी कैप था और मजीद भी ये कुछ आगे लगाएगा। ठीक है, तो ये दोबारा से नाम ले देता हूँ, गुल अहमद टेक्सटाइल, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन और मेटा हेल्थ टेक्नोलॉजी, इनको लें और इंजॉय करें। आपकी दुआओं का मुंतजिर आमिर शहजाद, अल्लाह हाफिज़।